हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। इग्नू ने आपके लिए नए प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं जो है स्किल बेस्ड बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम, और साथ ही साथ उसके लिए इग्नू ने एक नया एडमिशन पोर्टल भी ओपन किया है। सो वो क्या है और किन स्टूडेंट्स के लिए वो है, तो चलिए बात करते हैं वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको नजर आएगा इन्फॉर्मेशन ब्रोशर एंड एडमिशन लिंक फॉर स्किल्ड बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स फॉर अग्निवीर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जो ये पोर्टल है दिस इज डेडिकेटेड टू दी अग्निवीर। अग्निवीर आर्म फोर्सेस जो होती हैं, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, सो फ्रेंड्स उनके लिए ये एडमिशन पोर्टल स्पेशली इग्नू की तरफ से ओपन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन में आपको 5 प्रोग्राम्स नज़र आएंगे जो इग्नू की तरफ से लॉन्च किए गए हैं, स्किल बेस्ड हैं। सो ये अनाउंसमेंट फ्रेंड्स की गई है आज ही के दिन, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लिंक फॉर अग्निवीर एंड इन्फॉर्मेशन ब्रोशर फॉर स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम, जो कि आपको ले जाएगा सीधा इसके प्रोस्पेक्टस पर, जिसमें आप जान सकते हैं प्रोग्राम के बारे में सभी डिटेलिंग्स। जैसा कि ये आपका पोर्टल ओपन करके आपको दिया गया है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं बैचलर्स डिग्री में, जिसमें आपकी इंक्लूड होती है बीए, बीकॉम एंड बीएससीजी, जहां पर आप देख सकते हैं बीए में आपको 3 कोर्सेज ऑफर किए गए हैं, जिसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल दैट इज एमएसएमई, बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल्स दैट इज टूरिज्म मैनेजमेंट, एंड थर्ड इज बैचलर ऑफ आर्ट्स अप्लाइड स्किल्स। एंड अगर हम बीकॉम की बात करें तो फ्रेंड्स बीकॉम में भी आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स अप्लाइड स्किल्स एंड बैचलर ऑफ साइंस बीएससी की अगर हम बात करें अप्लाइड स्किल्स। सो ये बेहद इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है, इग्नू की तरफ से किया हुआ एक अच्छा काम है, जिसमें आपको बताया गया है कि जो भी अग्निवीर हैं आर्म फोर्सेज के, वो इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एडमिशन साइकिल जुलाई 2023, तो ये अभी अपडेट हुआ है, ये लॉगिन पोर्टल भी अभी बनाया है, स्पेशली अलग से पोर्टल बनाया है ताकि स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना हो या उन्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े ये समझने में या इसके लिए अप्लाई करने के लिए। तो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको डायरेक्टली इसी पोर्टल पर आना है, पोर्टल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। सो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर अग्निवीर फॉर आर्म फोर्सेज मेंशन किया गया है, बार बार मेंशन किया गया है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स फॉर देयर एडमिशन इन द स्पेशली डिजाइंड स्किल बेस्ड बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स ऑफ इग्नू। ओके, सो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कर देख सकते हैं एडमिशन की जो गाइडलाइंस हैं। एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। सो पहले आपको मैं यहाँ पर गाइडलाइंस बता देती हूँ, जिसके लिए आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा, अपना यूजर नेम क्रिएट करना होगा, पासवर्ड क्रिएट करना होगा, उसके बाद आप जितनी भी मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है उसे फिल इन करेंगे और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप करेंगे इंस्टेंटली आपको ईमेल और एसएमएस आ जाएगा, क्योंकि उसमें आप अपना ईमेल भी फिलअप करेंगे और वो नंबर भी। सो यहाँ पर आपको ये दोनों चीजें याद रखनी भी जरूरी है। उसके बाद आप लॉग इन करेंगे और एडमिशन के लिए फ्रेंड्स आपको ये सभी चीजें स्कैन कॉपी सबकी आपको अपने पास रखनी होगी, क्योंकि ऑनलाइन आप एडमिशन ले रहे हैं। सो 1 फोटोग्राफ, सिग्नेचर, कॉपी ऑफ 10th पास सर्टिफिकेट, कॉपी ऑफ 12th पास सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। इक्विवेलेंट इसलिए बताया गया है कि अगर आपने स्कूल से 10+2 पास नहीं किया या फिर आपने उसके इक्विवेलेंट कोई और कोर्स किया है तो भी आप एडमिशन ले सकते हैं। और यहाँ पर आपका कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ परमिशन लेटर इशूड बाय सीओ, तो वो भी यहाँ पर आपको इसके साथ ही एनक्लोज करना होता है डॉक्यूमेंट्स में। फीस कैन बी पेड नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। ओके, सो यहाँ पर बता दी गई है ये सारी चीजें, और ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स है उन्हें ही स्कैन कीजिएगा, फोटोकॉपीज को स्कैन मत कीजिएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लियर नहीं होती है। और आपको अगर एडमिशन लेना है तो अपने डॉक्यूमेंट्स को आपको फाइन ही स्कैन कर इसमें अपलोड करना होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कैंसिल करना तो उसके लिए भी प्रोसीजर बता दिया गया है। सो प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप किसी भी प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। सो यहाँ पर आपको पूरी ड्यूरेशन, उसकी मीडियम, आप कौन से मीडियम में से कर सकते हैं, क्या ड्यूरेशन होगी, क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है, ये सभी यहाँ पर बताई गई है। और अगर आपको इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्रोस्पेक्टस से ले सकते हैं, प्रोस्पेक्टस में आपको सभी चीज़ें बताई गई हैं। और साथ ही साथ प्रोस्पेक्टस में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो है इंपॉर्टेंट लिंक्स। तो जैसा कि इग्नू की वेबसाइट, आपका एडमिशन पोर्टल का लिंक, स्टूडेंट पोर्टल, एडमिशन लेने के बाद आप स्टूडेंट पोर्टल से कनेक्टेड रहेंगे थ्रू आउट, जब तक आप अपने प्रोग्राम को पास नहीं कर लेते, तो वो सब चीज़ें। और अगर आप ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ई ज्ञान कोश का भी लिंक यहाँ पर दिया गया है, और एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप का भी यहाँ पर आपको लिंक दिया गया है, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग सपोर्ट का भी लिंक यहाँ पर आपको दिया गया है। तो इस
तरह से आप देख सकते हैं, बट द गुड न्यूज़ इज़ कि इग्नू की तरफ से ये पोर्टल लॉन्च किया गया है आप स्टूडेंट्स के लिए, तो आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। सो यही आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुँचे और बहुत सारे स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड। इग्नू से जुड़ी हुई लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन रखिएगा। सो हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।